नमस्कार, आप सुन रहे हैं नमसी न्यूज। मैं हूं कृष्णा चतुर्वेदी और आज सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइन पर। मणिपुर में बेकाबू होते हुए हालत, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक के काफिले पर हुआ हमला, राजस्थान के भी पार जाएगा असर, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, अतीक के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी, ANI ने संभाली जांच की जिम्मेदारी, कुएं में कूद जाऊंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब खबर विस्तार से। मणिपुर में होते हुए हालात बेकाबू, इम्फाल शहर में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच शुक्रवार को रात भर हुई झड़पों में दो नागरिक घायल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इम्फाल में भीड़ ने भाजपा के नेताओं के घर चलाने की भी कोशिश की। वहीं अलग अलग घटनाओं में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में क्वाटा और चुरंदा चांदपुर जिले के कंगवाई से पूरी रात गोलीबारी होने की खबर है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक के काफिले पर हुई हमला। पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया। हालांकि राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। राजस्थान में भी पार जाए का असर, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, अरब सागर में उठे चक्रवात भी पार जाए के असर, राजस्थान के पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, गुजरात में दस्तक देने के बाद चक्रवात अब राजस्थान की दिशा में बढ़ रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 7:30 बजे के करीब ये माउंट आबू में 210 मिलीमीटर की रफ्तार से भारी बारिश हुई। अधिक के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 2 महीने पहले एक हमले में मारे गए गैंगस्टर नेता अतीक अहमद से जुड़े जाने माने विंडस चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों के ठिकानों पर इस सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की गई। ANI ने संभाली जांच की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अमेरिका और कनाडा में मार्च में भारतीय मिशन पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हमलों की जांच अपने हाथों में ले ली है। कुएं में कूद जाऊंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा कि एक नेता ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उस पार्टी का सदस्य बनने के बजाय कुएं में कूद जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में हुए कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में देश में दोगुना से काम किया है और चौतरफा विकास किया है। इसी तरह से देश विदेश की खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए नमसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।